हो जाइए तैयार और दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। पुष्पा 2 के किंग मेकर का फर्स्ट लुक हुआ आउट। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटिंग फिल्म पुष्पा 2 को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। मेकर्स भी आए दिन लेटेस्ट अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाते रहते हैं। इसी बीच पुष्पा द रूल से एक और साउथ सुपरस्टार का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसने पहले पार्ट में किंग मेकर की भूमिका को अदा किया था। पुष्पा पार्ट 1 में राजनेता की भूमिका निभाने वाले साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रमेश राव का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। बतौर किंग मेकर फिल्म में अपनी छाप छोड़ने वाले विधायक सिद्धप्पा का लेटेस्ट लुक उनके जन्मदिन पर साझा किया गया है। 25 मई को रमेश राव अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें काफी लोग खूब सारी बधाइयां भी दे रहे हैं। इसी बीच पुष्पा के मेकर्स ने भी रमेश को बर्थडे विश किया है। उन्होंने फिल्म पुष्पा 2 से रमेश राव का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, हर एक किरदार में अपना 100% देने वाले दमदार अभिनेता रमेश राव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पुष्पा 2 में एक शक्तिशाली राजनेता सिद्धप्पा की भूमिका में देखने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह से रमेश राव की तारीफ करते हुए पुष्पा फिल्म के मेकर्स ने उन्हें बधाइयां दी। अब बात करें करण जौहर की, तो आपको बता दें करण जौहर ने अपने बर्थडे पर अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया है और बड़े अलग से अंदाज में उन्होंने अपने नए फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म मेकर करण जौहर 25 मई को 52 साल के हो गए हैं। उनका ये जन्मदिन बेहद खास है। बीते रात करण ने अपने बर्थडे की पार्टी की, जिसमें कई सेलेब्स भी शामिल हुए थे। वहीं अब फैंस लेकर सेलेब्स तक और कई मशहूर हस्तियों ने भी करण को जन्मदिन की बधाइयां दी। ऐसे में अब निर्माता और निर्देशक ने भी अपने फैंस को खास गिफ्ट दिया है। दरअसल अपने बर्थडे पर करण जौहर ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दी है। अब फैंस भी इसे जानकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और फैंस इस बात को लेकर काफी ज्यादा रिएक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर करण जौहर ने एक फोटो शेयर की है। इसे देखने के बाद पता चल रहा है कि वो जल्द ही अपने काम पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीर में करण जौहर व्हाइट कलर के लुक में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हाथ में फाइल ले रखी है, जिस पर लिखा गया है कि बिना टाइटल वाला नरेशन ड्राफ्ट करण जौहर द्वारा निर्देशित 25 मई 2024। वहीं फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, गेट सेट गो। अब बात करें अगले फिल्म यानी धड़क 2 के बारे में, तो कुछ समय पहले एक खबर आ रही थी कि करण जौहर, ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की फिल्म धड़क का सीक्वल बनाने वाले हैं। और धड़क के सीक्वल में इस बार कोई और नहीं बल्कि सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की जोड़ी नजर आने वाली है। सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं कि जल्द ही करण जौहर धड़क 2 पर काम करने वाले हैं। खबरों की माने तो करण जौहर धड़क के सीक्वल पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही वो इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अब तक मेकर्स ने इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। अब बात करें हार्दिक पांड्या और नताशा की, तो आपको बता दें कि भाई इनकी तलाक की खबरें बाजार में काफी गर्म हो चुकी है, जहां पर हमें पता चल रहा है कि भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी के बीच तलाक की खबरें चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हार्दिक को अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा नताशा को देना पड़ेगा। नताशा और हार्दिक इन दिनों अपने अलग होने की खबरों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। कपल के अलग होने की खबरों को हवा तब मिली जब नताशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना नाम हटा दिया और वो आईपीएल 2024 में पति को चीयर करने के लिए भी मौजूद नहीं रही, जबकि इस बार मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। खैर, अभी तक हार्दिक या नताशा में से किसी ने भी अपने अलग होने की खबरों पर मोहर नहीं लगाई है। इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ वही जाने। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कुछ है कहना ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड टशन के साथ।